सरगुजा जिले के लखनपुर विकास खंड के एक निजी स्कूल में छात्र के द्वारा छत्तीसगढ़ी गीत नहीं सुनाने पर स्कूल के प्राचार्य ने डंडे से छात्र की पिटाई कर दी। छात्र की पिटाई के बाद उसके हाथ में सूजन आ गई और हथेली में मवाद भर गया, जिसे परिजन उपचार के लिए लखनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहाँ चिकित्सक के द्वारा छात्र का उपचार किया गया। छात्र के साथ हुए पिटाई की शिकायत लेकर अभिभावक जब स्कूल पहुंचे तो प्राचार्य के द्वारा अभद्र व्यवहार करते हुए स्कूल से बाहर निकालने की धमकी तक दे दी। तो पूरा मामला लखनपुर विकासखंड के ग्राम अंधला का है, जहां सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के कक्षा 5वीं में अध्ययनरत छात्र जो छत्तीसगढ़ी गीत नहीं सुना सका, प्राचार्य ने गुस्से में आकर डंडे से छात्र की पिटाई कर दी, जिससे कि दाहिने हाथ की हथेली में सूजन आने के साथ ही मवाद भर गई। इसकी जानकारी उसने अपने अभिभावकों को 5 दिन बाद दी और इसके बाद अभिभावक जो हैं वो सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल पहुंचे और प्राचार्य से पिटाई के संबंध में शिकायत करने लगे, जिस पर प्राचार्य के द्वारा अभिभावकों से अभद्र व्यवहार करते स्कूल से बाहर निकालने और घर में पढ़ाने की धमकी दी गई। मेरे सर मारे थे अमरेश, उनका नाम अमरेश है, वही मारे थे। मैं गाना नहीं गा सका छत्तीसगढ़ का गीत, टाट कर जाने के लिए बोले थे सरकाया था, इसीलिए मारे। बच्चे लोग को छत्तीसगढ़ी गीत याद करने के लिए दिया गया था, तो उन लोग को याद नहीं कर पा रहे थे, तो उन लोग को थोड़ा सा याद करेंगे सोचकर छोटा सा डंडा था, तो एक सप्ताह पहले उन लोग को उसमें मार दिया गया था। तो बहुत बच्चे लोग छत्तीसगढ़ी गीत सुनाए और बहुत बच्चे लोग नहीं सुनाए, उन लोग हरदम ऐसे ही करते थे, नहीं सुनाते थे।